हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, कल जो थैलीसीमिया का दिन मनाया गया पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर जो टोटल पेशेंट है उनकी तादाद 1 लाख से ज़्यादा है, और जबकि फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो फैसलाबाद में बहुत सारे थैलीसीमिया के पेशेंट हैं। और यहाँ पर एक जो है NGO है, ऑर्गेनाइजेशन है, आप देख रहे हैं कि हम उसके बाहर मौजूद हैं। ये बहुत ही सुंदर फाउंडेशन के नाम से है और बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। आज हम आपको थैलीसीमिया से आगाही के बारे में भी बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे कि कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं कि जिनको बचाया जा सकता है, या इसका क्या तरीकाकार है इलाज का, और या जो इसके कैरियर हैं उसके बारे में बताएँगे कि उनके जो टेस्ट वगैरह हैं वो कैसे होने चाहिए। सारी मुकम्मल एक हमने इसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाएंगे तो जिसमें सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसके बारे में सारा मुकम्मल तफसील के साथ बताया जाएगा। हम यहाँ पर जो मरीज़ हैं, जो पेशेंट हैं, उनसे भी हम जो है वो बात करेंगे, और उनके लिए हम कुछ जो है वो जूस और बिस्किट भी ज़ैनब कह रही थी लेके जाना बच्चों के लिए, तो वो भी हम लेके आए हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पर और आपकी मुकम्मल ये विज़िट आपको इस अदारे का करवाते हैं, सुंदस फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम जी विकास भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? तो हम आए हैं आपके पास आज सुंदस फाउंडेशन, ये जो आपका इंस्टीट्यूट है इसका मुकम्मल विज़िट करेंगे, तो काइंडली हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी सर, इंशाल्लाह आप आएँ, आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं, लैब का विज़िट करवाते हैं, नर्सिंग में बच्चों से मिलवाते हैं, आप आएँ देखें, आपको पता लगे कि सुंदस फाउंडेशन किस बेस पर किस चीज़ पर वर्क कर रहा है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आप दे दो बेटा, थोड़ी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निदा। निदा बेटा, कहाँ से आप आई हैं? मैं जंग से आई हूँ। जंग से आई हैं? अच्छा, कब आपको पता चला था कि आपको थैलीसीमिया है? बचपन से ही थैलेसीमिया पता लग गया था। एक माह में कितनी दफ़ा आती है यहाँ पे? मेरा लगता है 15 डेज बाद। 15 डेज बाद? अच्छा, आप पढ़ती भी हैं? नहीं, पढ़ती थी लेकिन अब छोड़ दिया। अच्छा, आपकी अब तबीयत वैसे ठीक रहती है? ये जब ब्लड वगैरह लगता है क्या महसूस होता है आपको? वैसे तो ठीक रहती है, मतलब कि वैसे तो सर में दर्द, टांग में दर्द, वैसे बॉडी वीकनेस होती है, और इसके अलावा कभी कोई इन्फेक्शन भी हो जाता है। और आपकी एज कितनी है बेटा? 19 है। अच्छा, आपके कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहन भाई। बाकी वो उनको भी है कोई, ये नॉर्मल है? वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपके जो पेरेंट्स हैं उनको पता था पहले कुछ ऐसे कैरियर, वो उनकी शादी फैमिली में हुई है दोनों की या कैसे? फैमिली में हुई है लेकिन थोड़े दूर के। अच्छा। और उनको नहीं पता था इस तरह। बाकी बहन भाई बिल्कुल ठीक हैं, वो कैरियर हैं लेकिन मुझे थैलेसीमिया मेजर है। आपके पेरेंट्स जो हैं कैरियर हैं वो? हाँ। उन्होंने टेस्ट पहले करवाया था शादी से पहले या नहीं? नहीं, नहीं करवाया था पहले, नहीं उन्हें पता था, जब मुझे हुआ था उसके बाद उनको पता लगा। अच्छा, तो अभी आप ये आज शाम तक वापस चली जाएंगी वहाँ से? जी। तो कैसा यहाँ पर इंतज़ाम वगैरह, ठीक है? कब से आ रही हैं यहाँ पे आप? मैं तकरीबन 8-9 साल हो गए यहाँ आ रही हूँ, वैसे मैं पहले कहीं और जाती थी। अच्छा, पहले कहाँ जाते थे आप? पहले अलीज़ेब में जाती, अलीज़ेब में जाती थी, अब इधर आ रही है। हाँ जी, आपके लिए बेस्ट विशेज हैं कि आप सेहतमंद हो, ठीक हो आप। हाँ जी, ये बताया इन्होंने कि ढंग से हैं। अच्छा, हाँ इधर से बच्ची से दिलवा दें जी। ये भी, ये बहन को दो, ये बहन को दो दे दो, ये छोटी बहन को दो, ये लो ले लो, बहन ले लो ले लो ले लो बेटा ले लो। ऐसे वेरी गुड, ये भैया को दो, ये भैया को दो, ये भाई को दो, ऐसे। आप कौन से हैं? ये पिंडी पटिया ऑटो से, ये जो पिंडी पटिया
अच्छा, अपना पहला बेटा है आपका, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे तीन बेटे थे। अच्छा, तीन बच्चे थे जिसमें ये दूसरा बच्चा है। अच्छा, इससे बड़ी बेटी थी जी जो फौत हो गई है, इससे छोटा एक बेटा है। अच्छा, वो माशाल्लाह ठीक है। बेटी जो है उसको भी यही मसला? हाँ, यही मसला। वो कितने सालों की होकर फौत हुई? वो 5 साल की थी। अच्छा जी। तो आपने उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाई? ट्रीटमेंट करवा रहे थे, यहाँ से ये ट्रीटमेंट हो रही थी, लाहौर भी लेके जा रहे थे गंगा राम में भी। अच्छा, वो डॉक्टर उधर जवेरिया साहब है, उनसे ट्रीटमेंट करवा रहे थे। अच्छा, तो आपकी शादी जो हुई है वो फैमिली के अंदर हुई? हाँ, वो फैमिली में। तो आपको नहीं पता था कि आप कैरियर हैं दोनों? नहीं, कोई टेस्ट नहीं करवाया था? नहीं, टेस्ट नहीं करवाया था। जब बच्ची हुई तो तब पता चला था ये मसला है, वो गंगा राम में जब बन गया। अच्छा, बच्ची के पैदा होने के बाद आपको जब पता चला, उसके बाद भी आपने कुछ इस तरह का ये बच्चा देखे ना, फिर वो उसी बीमारी के अंदर है? हाँ जी। तो इसका कुछ ये कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी पता चल सकता है कि बच्चा जो है वो आपका थैलेसीमिया का पेशेंट हो सकता है या नहीं? आपने वो टेस्ट भी नहीं करवाया फिर बाद में? वो टेस्ट करवाने गए थे, लेकिन उस टाइम उन्होंने बोला था कि अब टेस्ट नहीं हो सकता। अच्छा, गंगा राम में गए थे। अच्छा, इनका ये पहले एक बच्ची भी फौत हो चुकी है इसी थैलेसीमिया के अंदर, तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि इस बच्चे का जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये टेस्ट करवाते तो ये भी नहीं होना जी? बिल्कुल यही, अगर ये 10 वीक की प्रेगनेंसी में अगर ये टेस्ट करवाते ना तो ये भी हो सकता था बोर्ड। अच्छा, क्योंकि अल्लाह पाक भी कहते हैं कि जो जजान अगर उसको कोई इशू है तो वो आप क्लियर करवा सकते हैं। यहाँ पर तो मोस्टली जो कपल्स आते हैं तो आप उनको अवेयर करते हैं, बताते हैं कि ये अगर वो इस आगे जो उनका जो बच्चा होने वाला है वो भी हो सकता है, तो उसका टेस्ट वगैरह तो करवाएं? जी बिल्कुल, यही इसलिए अवेयरनेस देते हैं। अब ये बच्चा जैसे ये हमारे पास लेट आए हैं, यही जैसे बता रहे हैं कि पहले वाली बच्ची भी डेथ हुई है, तब इन्होंने किसी से मशवरा किया होता, बताया होता, तो ये बच्चा आज इस बीमारी से ना होता। क्योंकि अवेयरनेस की कमी है हमारे मुल्क में, जिसकी वजह से थैलेसीमिया बढ़ता जा रहा है। अब काफ़ी ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे थैलेसीमिया का नामो निशान ख़त्म हो चुका है। अभी राव साहब यही बता रहे थे कि यूके जो है वो बिल्कुल थैलेसीमिया फ्री हो चुका है। जी जी बिल्कुल, वो इसी वजह से कि वो अवेयरनेस जो है ना वहाँ पे कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत कमी है। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जब शादी होती है ना तो निकाह में ये टेस्ट जो है ना कन्फर्म कर दें कि उसके अलावा निकाह ही ना हो। जस्ट इशू ये आता है कि पहले एक दफ़ा गवर्नमेंट ने ज़रूरी ऐलान किया था कि शादी से पहले ये टेस्ट लाजमी है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से थैलेसीमिया बढ़ता जा रहा है। अच्छा, कितने बच्चे डेली यहाँ पर आते हैं अंदाजन? सर, मैक्सिमम जो हमारी मिनिमम एवरेज है ना 40 to 45 पर डे है, कि हमारे पास 45 जो है ना पेशेंट्स पर डे आते ही आते हैं, जिसमें हेमोफीलिया और थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं। तो ये तो देखिए ना, एक तो जैसे बता रहे हैं कि बहुत ही एक्सपेंसिव है सारा प्रोसीजर जो है, उसके साथ साथ जो मेन चीज़ है कि ये ब्लड का जो आपको इंतज़ाम करना है वो मेरे ख्याल में बहुत ही एक मुश्किल टास्क है, उसके लिए आप क्या तरीका कार? सर, ब्लड ही बेसिक इनकी नीड है, और ब्लड में जो है ना काफ़ी मुश्किलात हमें पैदा होती हैं, जिसमें हम ब्लड कैंपिंग करते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, फैक्ट्रीज़ में। उन प्रिंसिपल्स का बहुत शुक्रिया जो हमें कैंप वगैरह देते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस वगैरह में। उस बेस पे जो है ना हमारा ब्लड इकट्ठा होता है, तो इनको साथ ही ब्लड लग जाता है। यानी आपको डेली बेसिस पे अंदाजन कितने? सर, हमें तो ये है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारा पर डे जो है ना कैंप हमारा डेली हो, लेकिन डेली रूटीन में नहीं होता, कभी अच्छा हो जाता है, कभी गंदा हो जाता है। जैसे 50+ अगर हमारा हो गया ना, तो हमें ये पता है कि हमारी पर डे जो एक दिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। जी, एक दिन की रिक्वायरमेंट है वो हमारी पूरी हो गई है, इसी लिहाज से हम कैंप करते रह गए। इसी मंथ में हमने 2 कैंप किए हैं, 40-40+ बैग हुए हैं। तो ये है कि एक दिन गुजर जाता है, फिर अगले दिन दोबारा कैंप कर लेते हैं, फिर अगला दिन गुजर जाता है, इसी चीज़ में हमारा जो है ना टाइम गुजर जाता है। तो आप तो प्लानिंग करते रहते होंगे कि अब नेक्स्ट हमने कहाँ पर करना है, कैंपिंग करनी है, क्या करना है, क्योंकि ये तो आपको डेली बेस पे ज़रूरत है ही है ना इतने की। तो लोग कैसे हैं फैसलाबाद में, या आप फैसलाबाद से बाहर भी जाते हैं इसके लिए जो ब्लड की डोनेशन के लिए? सर, इसमें ऐसे है कि माशाल्लाह फैसलाबाद का भी ठीक जा रहा है, और बाकी आउट ऑफ स्टेशन में भी जाते हैं हम, कह लें कि पंजाब से भी बाहर गए हुए हैं, KPK वाली साइड में भी गए हैं। ब्लड कैंप के लिए हमें जहाँ से कॉल आए, जो अप्रोच करें हमें, हम वहाँ पे चले जाते हैं ब्लड कैंप के लिए, क्योंकि इन बच्चों की जो नीड ही ब्लड है, तो अगर हमारे अदारे में ब्लड नहीं होगा तो ये बच्चों का यहाँ पे फिर जो है ना सर्वाइव नहीं हो सकते। तो इसलिए ब्लड कैंप की हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ब्लड कैंप की जो तरफ से जो है ना हमारा हाथ ना रुके।
ज़्यादातर आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाते हैं, फैक्ट्रीज़ में जाते हैं या ओपन भी आप? सर ओपन भी लग जाता, अब ये फैसलाबाद में जनाब बाग जो आपने नाम सुना होगा, कंपनी बाग के नाम से मशहूर है, वहाँ पे भी एफडीए के जो है ना थ्रू हम लेटर इशू करवाते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं, हमने वहाँ पे भी ओपन कैंप किए हुए हैं। तो क्या रिस्पॉन्स आवाम का? माशाल्लाह 14 अगस्त पर हमने लास्ट कैंप किया था, वहाँ 50+ हुए थे, एक दो NGOs हमारे साथ अटैच हैं, यंगस्टर हैं, डोनर्स हैं हमारे, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो फिर अपने बिहाफ पे वहाँ पे उन्होंने कैंप लगवाया है, पब्लिक कैंप जिसको कहा जाए, तो वो पब्लिक के लिए भी देखा जाए तो माशाल्लाह हमें वहाँ से अच्छा रिस्पांस मिला। अच्छा हम चलते हैं आगे भी और साथ में आपसे थैलीसीमिया के जो बाकी इसके बारे में, तो जो थैलीसीमिया का आम एक पेशेंट बच्चा है उसकी एवरेज वो रिकवर कर सकता है मैक्सिमम कितनी, यानी कि वो उसके अंदर ताकत रहती है, कुव्वत रहती है कि वो बीमारी का मुकाबला करता रहता है? सर बेसिक तो ये है कि आपको पता है ब्लड लग लग के ना आयरन लेवल बढ़ जाता है, आयरन लेवल बढ़ने की वजह से फिर जो है ना इनके काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, वो मेडिकेशन भी साथ साथ ज़रूरी है। और अब अगर आप एवरेज एज की बात करें तो एज जो है ना वो एवरेज 17-18 ईयर्स है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो हैं बैकवर्ड इलाके से जो मेडिकेशन प्रॉपरली नहीं कर सकते, जस्ट ब्लड लगाना हल नहीं होता, ये तो इनकी नीड है ही है, इसमें मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, आयरन जो है ना चलेशन की टैबलेट्स वगैरह होती हैं, डाइट का भी ख्याल रखना पड़ता है, डाइट भी इसमें, क्योंकि ज़्यादा बात है ब्लड लग के आयरन भी बढ़ जाता है, इसी तरह अगर डाइट आयरन वाली ही मैक्सिमम हो तो आयरन वो ज़्यादा जो है इंक्रीज होगा, तो इसलिए जो इनको आयरन के इंजेक्शंस भी लगते हैं, पंप होता है वो 8-10 घंटे के लिए वो इनको लगना होता है, वो पेट में अटैच होता है या बाजू पे अटैच होता है, वो एक बच्चे को 8-10 घंटे अपनी बॉडी के साथ लगाना पड़ता है उसको, वो इनको काम करता है, उसके अलावा टैबलेट्स इस चीज़ का काम करती हैं, तो बेसिक तो ये आयरन लेवल कम। और ये बच्चा रो रहा है, ये क्या वजह, क्या परेशान है या क्या? कभी कभार होता है ब्लड की वजह से शिवरिंग वगैरह हो जाना, रिएक्शन हो जाना, उस वजह से जो है ना थोड़ा मसला हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका बेटा? निहाल वासित। बेटा रो क्यों रहे हो? आप तो बहुत ब्रेव हो, बहादुर हो बहुत है, बहादुर बच्चे तो रोते नहीं है। जिस्म में दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा बेटे को? ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरा बेटा, ठीक है, रोते नहीं है, ठीक है, आपकी मम्मा भी परेशान होगी आपको रोते देख के, अब रोना नहीं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ये कब से आपको पता चला कि बेटे को मर्ज है? ये तकरीबन 3 माह का था सर जब इसका डायग्नोज हो गया। अच्छा, तो 3 माह से हम लगवा रहे हैं ब्लड। अच्छा जी, तो आप के जो मियाँ हैं आपके रिलेटिव थे या कैसे? हाँ जी, फर्स्ट कज़न है। फर्स्ट कज़न है, और ये फैमिली में फर्स्ट यानी चांस है ये, तो पहले नहीं था किसी को? आपको ये भी नहीं शक था कि कोई कैरियर है या कुछ ऐसे? नहीं, ये बीमारी यानी हमने इस बुक्स में पढ़ी थी जी, प्रैक्टिकली इस बच्चे में पहली दफ़ा देखी है। तो इसके बाद में और बेबी भी है आपका कोई? नहीं, ये मेरा एक ही बेटा है। अच्छा, तो आप उसी वजह से अभी डर में हो गया कि अगले नेक्स्ट भी बच्चे को ना ऐसे हो ना जाए, ये इसी वजह से मतलब मैंने लिया नहीं नेक्स्ट जो है, यानी इसी बच्चे की केयर कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो बच्चा काफ़ी सहमा हुआ, डरा हुआ लग रहा है, तो बस शिवरिंग स्टार्ट हो गई है, फर्स्ट टाइम एक्चुअली हुआ ना, इस वजह से बच्चा ज़रा परेशान हो गया। तो महीने में कितनी दफ़ा इसको? दो दफ़ा हाँ जी, ट्रांसफ्यूजन होती है। तो जैसे ये बाकी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जी इसकी डाइट का भी ख्याल रखना है आपने, इसकी मेडिकेशन का भी ख्याल रखना, आप ख्याल रखती हैं इसका प्रॉपर तरीके से या लापरवाही कर जाती हैं बीच में? नहीं, इसी वजह से ये मेरा एक ही बच्चा है कि लापरवाही ना हो, मैंने और बच्चा नहीं लिया, और अपनी तो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि ना हो, बाकी अफोर्डेबल भी नहीं होती ना। अच्छा। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इसका जो मतलब तरीका कार है, सारा इलाज है, जितना अफोर्ड कर सकते हैं वो कर क्या करते हैं। इसमें क्या मसल मेडिसिन तो मेरे ख्याल में मेडिसिन आप देते हैं साथ में? मेडिसिन भी इनको जो है ना आयरन की टैबलेट्स मिलती हैं, मोस्टली इंजेक्शन भी होते हैं जो पंप के ज़रिए लगते हैं, जब इंजेक्शन आते हैं आजकल आपको पता सारी चीज़ें आती हैं बाहर से, कभी कभार शॉर्ट होने की वजह से इंजेक्शंस नहीं आते, जो टैबलेट्स हैं वो फिर हम इनको प्रोवाइड करते हैं, वो इनको लगती हैं, रिवर्स रोज से भी लेनी पड़ती है इनको मेडिसिन, ऐसे होता है? आयरन की नहीं लेनी पड़ती, आयरन की यह क्या अदारा दे देता है, आयरन के अलावा जैसे अब बुखार वगैरह हो जाता है, कोई और इशू होते हैं, वो तो जाहिर बात है वो मौके की मुनासबत से वो जो है ना मेडिसिन जो उनको ज़रूरत है वो फिर लेनी पड़ती है, बाकी अगर आयरन की बात करें तो वो मेडिसिन जो इनको हम प्रोवाइड करते हैं ब्लड के साथ साथ, जैसे मंथली एक मंथ की टैबलेट मिल गई है, फिर नेक्स्ट मंथ जब दोबारा इनका विजिट होगा तब इनको फिर मेडिसिन मिलेगी।
तो फिर अभी आप जो इनका है तरीक़ाकार उसके मुताबिक फॉलो कर रही हैं सारी, इसका जो भी इस बताते हैं कि जी आपने इसको ये वाली डाइट देनी है, ये मेडिसिन देनी है, सारा प्रॉपर कर रहे हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कर रही हूँ, कर रही हूँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। बहुत सारे बच्चों से मैं देखती हूँ ना, बहुत सारे बच्चों से मेरा बच्चा बेहतर है, खेलता है बाहर जाके, माशाल्लाह फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। अच्छा, पढ़ भी रहा है? पढ़ भी रहा है और एक्टिव है, स्पेशली क्रिकेट इसको मतलब फेवरेट इसका गेम है और इमरान खान इसका फेवरेट प्लेयर है तो वो यानी बच्चा मेरा माशाल्लाह एक्टिव है, बस ये बीमारी की वजह से यानी थोड़ा स्लो है बाकी बच्चों से, लेकिन वो ये फील नहीं करता ना, मैंने इसको कभी यानी किया है कि ये आम बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ, ये बीमार नहीं है। मैंने इसके जहन में यही बिठाया कि आप बीमार नहीं हो। बिल्कुल बीमार भी नहीं है, बहादुर है, बहुत ब्रेव है, हमें भी लग रहा है कि ये ब्रेव है। ठीक है बेटा, आपने बड़ी बहादुरी के साथ इस बीमारी का मुकाबला करना है। अपनी मामा को बिल्कुल भी फील नहीं होने देना कि आप जो है बीमार हो। ठीक है, अब रोना नहीं मामा के सामने, ठीक है ना? हमसे वादा करते हो ना आप? हाँ जी। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बेटे का? अब्दुल बाकी। अब्दुल बाकी कहाँ से आई हैं आप? मैं इधर फैसलाबाद से, हलाल रोड गुलगश्त कॉलोनी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह चार। चार बच्चे हैं तो पेशेंट्स एक यही है या और? दो इससे बड़े हैं वो भी ठीक है, और इसके बाद एक अब बेटा 8 माह का है, 6.5 साल बाद अल्लाह पाक ने दिया है वो, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो आपने कोई टेस्ट वगैरह नहीं करवाया था शादी से पहले? आपकी शादी कज़न से हुई? जी कज़न से हुई है, मसलन सास और अम्मी कज़ने हैं जी। अच्छा, ये अभी बता रहे हैं कि ये पता चल जाता है शादी से पहले कि जी अगर टेस्ट हो जाएं तो जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में पता चल सकता है कि वो अगर उनका कोई बेबी होगा तो वो ऐसे थैलीसीमिया का पेशेंट हो सकता है। तो हमारे यहाँ पर ट्रेंड नहीं है कि हम टेस्ट वगैरह करवाएँ, या तो ये होना चाहिए आपके ख्याल में होना चाहिए कि हमें कि इस तरह का टेस्ट अगर हो जाए तो पता शादी से पहले पता चल जाए कि ये पेयर जो है वो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए ये हमारा तीसरा बच्चा है जी। पहले मेरी खाला का बेटा था, अब फिर मेरे जेठ का बेटा है जी। तो अब मेरा बेटा है, लेकिन हमारा ज़्यादा रुझान जो एक हमारा यकीन अल्लाह की ज़ात पर है। हमें अभी भी डॉक्टर भी कहते हैं कि आप टेस्ट करवाएं शादी से पहले, और नेक्स्ट टाइम अल्लाह पाक ने मुझे 8 माह का बेटा दिया, तब डॉक्टरों ने हमें बहुत कहा था, बस हमारा यकीन अल्लाह की ज़ात पर था और है, और मैंने कोई टेस्ट भी नहीं करवाया और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। तो बाकी डॉक्टर उनका तो नॉलेज है, वो कहते हैं यकीन तो सबका अल्लाह करें, लोग करवाते भी हैं वो अच्छा है, लेकिन हमारे अभी किसी ने करवाया नहीं है। आपके तीन बच्चे आप बता रही हैं कि हैं फैमिली में, तीन बच्चे हैं थैलेसीमिया के पेशेंट? अभी दो मौजूद है, एक की डेथ हो गई है। एक की डेथ हो गई है, कितने साल का था जब? 19 साल का था और उसको मसलन 10 साल हो गए हैं जी। तो ये एक देखे ना, एक अभी जो बहन हमारी बता रही है कि इनकी फैमिली में तीन बच्चे हैं, एक की डेथ हो गई है, लेकिन ये कह रहे कि हमारा यकीन अल्लाह पर है और हम टेस्ट पे यकीन नहीं रखते। तो ये हमारी फैमिली में ये भी चांस हुआ है कि उन्होंने टेस्ट करवाया, जिससे ज़्यादा फिर हमारे दिल को हुआ कि उनकी बच्ची फिर नबीना हुई, बस इस वजह से फिर इतना डर गए कि इंसान कोशिश करता है लेकिन अल्लाह की ज़ात जो बेहतर जानती है। उनके दो बच्चे पहले थैलेसीमिया के मरीज थे। ये अभी जो ब्लड लग रहा है ये भी तो एक साइंस है ना? जी बिल्कुल। तो अगर हम साइंस पे यकीन नहीं रखेंगे तो ये तो बीमारियां बढ़ती जाएंगी। यकीन तो जाहिर बात है रखते हैं, लेकिन एक रुझान जो एक बढ़ जाता है वो चीज़ हमारे पास अभी नहीं है, हमारे बड़े इस चीज़ तरफ नहीं आने देते। तो मोस्टली थोड़ा सा ना हमारा जो माइंड है वो थोड़ा बैकवर्ड चल रहा है, सब मोस्टली इसी तरह हो रहा है। अब जैसे कि थैलेसीमिया फैमिली है, उसमें अगर 4 से 5 बच्चे हैं ना जो थैलेसीमिया, जैसे अब ये बता रहे हैं कि इनके पहले भी हैं, अगर अब इनका एक बच्चा थैलेसीमिया को हुआ ना, तो अगर ये दोबारा फिर प्लानिंग करती हैं बेबी की, तो यकीनन 5 में से 3 बच्चे जो हैं वो थैलेसीमिया के होने ही। अभी एक बेबी इनका है लेकिन उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया उसका भी, खुदा ना खासा अल्लाह पाक उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लेकिन इन्होंने टेस्ट नहीं करवाया, वो रिस्क ही था ना अभी भी। बिल्कुल ये भी बात है कि वो हो जाता होता, क्योंकि अब जैसे इन्होंने कहा ना, इनके माइंड में क्या बना हुआ है कि टेस्ट करवाने से जो बची हमारी ठीक थी वो ना बीना। वो देखे बात ऐसे है कि अल्लाह की तरफ से हर चीज़ है, अल्लाह पाक ने किसी जिसको जान देनी है वो जिस तरह की भी देनी है वो अल्लाह पाक ने देनी है। तो हम इनको यही कहेंगे कि इस चीज़ को ना जहन में लें कि क्या पता वो टेस्ट करवाने की वजह से वो नबीना पैदा हुई है, वो कुदरती पहले ही अल्लाह की तरफ से वो अमल था, ठीक है, लेकिन करवाना चाहिए टेस्ट के आने वाली जो नस्ल है, जो ज़िंदगी है, वो हमारी ही वजह से बर्बाद होनी है।
अब जैसे इनका बच्चा है, इनको पता तकलीफ कितनी है, तो कोई माँ बाप ऐसे नहीं चाहेंगे कि हमारे औलाद को तकलीफ़ हो, ठीक है। बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए ये कि अगर एक बच्चा थैलेसीमिक है तो अगर दोबारा फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं बेबी के लिए तो उसका टेस्ट लाजमी करवा लें। और दूसरी बात ये कि ज़्यादातर पहले कहते थे ये कज़न मैरिज से फैलती है, अब देखें हर कोई किसी ना किसी का कज़न है, अब हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कज़न मैरिज से ही होनी है। अब एक मेल है, अगर वो कैरियर है, वो अपनी कज़न में किसी से शादी नहीं करता, अगर वो जिस लड़की से शादी कर रहा है कैरियर भी तो किसी की कज़न हो सकती है, उसके भी फैमिली टर्म्स में से वो कैरियर उसमें कन्वर्ट हो सकता है, तो इसलिए ये लाजिम है कि टेस्ट लाजिम है। जी बिल्कुल जी, मेरा नाम सलीम राव है, आई एम एडमिनिस्ट्रेटर सुंदस फाउंडेशन फैसलाबाद। सुंदस फाउंडेशन के हवाले से थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि सुंदस फाउंडेशन रमज़ान 1998 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये इस वक्त सुंदस फाउंडेशन एक तनावर दरख्त बन चुका है। इस वक्त सुंदस फाउंडेशन की 10 ब्रांचेज है पूरे पाकिस्तान में, और हमारे पास 9000 से ज़्यादा बच्चे रजिस्टर्ड हैं जो कि थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के। इन बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी और मलेरिया से पाक खून हम ट्रांसफ्यूज करते हैं। जी अच्छा सर, ये बताइएगा पहले हमें कि जो पाकिस्तान में टोटल कितने बच्चे हैं थैलेसीमिया के पेशेंट जो हैं। जी, एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में जो लिस्टेड थैलेसीमिक जो बच्चे हैं उनकी तादाद 100,000 से ज़्यादा है। जी, और हमारे पास जो रजिस्टर्ड जो पेशेंट है वो 9000 से ज़्यादा है, जो हमारे 10 डिफरेंट सेंटर्स में हैं जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स ट्रांसफ्यूज करते हैं। अच्छा, एक बच्चे पे कितना खर्चा आता है तकरीबन एस्टिमेटेड, जो जब आप उसको ब्लड लगवाते हैं या मुकम्मल जो एक प्रोसीजर होता है उसमें। जी, असल में ये बच्चे 3 किस्म के होते हैं, थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया इंटरमीडिया। जो थैलेसीमिया मेजर का जो बच्चा है वो महीने में कोई तकरीबन 3 से 4 दफ़ा वो विज़िट करता है, और उस पर ऑन एवरेज कोई तकरीबन 40,000 to 50,000 एक्सपेंस आते हैं, और ब्लड और मेडिसिन के जो एक्सपेंसेस है वो 50,000 से ज़्यादा है एक बच्चे पे। अच्छा सर, ये इसका कोई रोकने का तरीका है, इसकी बीमारी का इलाज कोई है पाकिस्तान के अंदर, या ये जो जो बढ़ती हुई तादाद है इसको रोकने का क्या तरीका है? क्या शादी से पहले कोई टेस्ट ऐसे अवेलेबल हैं कि जिससे पता चल सके कि ये कैरियर है, या इनकी शादी आपस में नहीं होनी चाहिए, इस तरह का कोई टेस्ट वगैरह होते हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह ताला ने वो कोई बीमारी ऐसी पैदा ही ना की नहीं की है जिसकी कोई शिफा ना हो या जिसका कोई प्रिवेंशन ना हो। इसी तरह थैलेसीमिया भी एक ऐसी बीमारी है जो कि जेनेटिक डिजीज़ है, विरासती बीमारी है, जिसको 2-3 तरीके हैं इससे बचाव के, और अगर हो जाए तो इसके ट्रीटमेंट के या मैनेजमेंट के। 3 चीज़ें इसमें, एक तो ये कि शादी से पहले एक टेस्ट अगर करवा लिया जाए थैलेसीमिया का, जिसको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, तो वो सुंदस फाउंडेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट एक फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर कोई हमारे पास आता है तो हम उसको फ्रीली वो टेस्ट करवा सकते हैं। दूसरा ये कि अगर खुदा न खास्ता किसी को थैलेसीमिया हो गया है, तो एक तो ये है कि उसको ब्लड उसको लगाया जाए ताकि वो मैनेज हो सके। तीसरा ये कि उसको बोन मैरो किसी हेल्दी पर्सन का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए, तो जिसकी वजह से वो कोई तकरीबन 60-70 lakh एक्सपेंसेस है उसके। हाँ जी, तीसरा है स्टेम सेल्स, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, वो करोड़ों का एक्सपेंस है उसका। और इसके अलावा चौथा है जो जीन रिप्लेसमेंट, ये इसको एपिजेनेटिक्स कहते हैं, और ये भी कोई तकरीबन 1.2 जो बिलियन, हाँ इसके एक्सपेंस है, काफ़ी एक्सपेंसिव ये वो है ट्रीटमेंट है। तो पाकिस्तान में जो आपने बोला कि बोन मैरो और ये बाकी इलाज है, होता है यहाँ पर या इसके लिए बाहर जाना पड़ता है? जी, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो मैनेजमेंट है वो सुंदस फाउंडेशन इस वक्त नंबर 1 NGO है पाकिस्तान में थैलेसीमिया के हवाले से। उसके अलावा अगर कोई बोन मैरो करवाना चाहता है तो वो भी पाकिस्तान में अवेलेबल है, पिंडी में इसकी सहूलत है। उसके अलावा जो फॉरन में तो काफ़ी इसकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो जो जीन्स थेरेपी है या स्टेम सेल्स है ये यूरोपियन कंट्रीज़ में या कनाडा अमेरिका में अवेलेबल है। अच्छा सर, बहुत ही कॉस्टली ये सारा सिस्टम है, मैंने देखा है कि बहुत आप अच्छे तरीके से ये सारा चला रहे हैं, तो आपके डोनर्स मेन कौन है, किस इसके कैसे ये सारा एक इसको आप मैनेज करते हैं? जी थैंक यू, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। असल में ये है कि ये हम इन बच्चों को
एक जो 5-स्टार हॉस्पिटल वाली जो सहूलियात है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जिसमें जो हमारे जो 80% डोनर्स हैं वो आम पर्सन है, आम आदमी हमें ज़्यादा, उसके अलावा दूसरे भी जो बड़े डोनर्स भी है वो, लेकिन बट वो 20% है, जिसमें जो कॉरपोरेट लेवल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी हमें कंट्रीब्यूट करते हैं, बट जो आम पर्सन है, क्योंकि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक जो इमोशंस है या ये जो जज्बा है बांटने का या देने का, ये पाकिस्तानी अवाम में बहुत ज़्यादा है, बस उनको एक चीज़ का कंफर्मेशन चाहिए कि ये जो वो फंड्स दे रहे हैं सही जगह पे लग रहा है। जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली, अगर आप वो उसको सही जगह पे यूटिलाइज़ करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम से ज़्यादा मुखय्यर मैंने कहीं नहीं देखा पूरी दुनिया में। कोई पैगाम पाकिस्तानी कौम को या पूरी दुनिया में हमारे देखने वाले उनको कोई मैसेज देना चाहिए, कोई आगाही का मैसेज थैलीसीमिया के बारे में? मैं सिर्फ यही कहूँगा एज ए एडमिनिस्ट्रेटर सुंदस फाउंडेशन के थैलीसीमिया बहुत मौजी मर्ज है, इससे आप बचाओ जितना कर सकते हैं कर लें, क्योंकि और इसका बचाओ इंतहाई आसान भी है। आप शादी से पहले एक टेस्ट ज़रूर करवा लें, ठीक, अगर आप कैरियर हैं तो किसी कैरियर से शादी ना करें, और सिर्फ इसका बचाव का तो ये एक ही तरीका है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट और वो मैनेजमेंट आ जाती है। तो मैं अपने पूरी दुनिया के लोगों से ये एक अपील करूंगा कि ये इस शादी से पहले ये टेस्ट ज़रूर करवाएं। गवर्नमेंट को इस अपने कुछ इसके ऊपर कोई पाबंदी लगानी चाहिए कि शादी से पहले, निकाह से पहले कुछ सर्टिफिकेट वो दिखा सकें कि जी आप कैरियर हैं या नहीं, इस पर कुछ होना चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए इसके ऊपर। जी बिल्कुल, ऐसे है कि गवर्नमेंट में भी एक बिल तो पास हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसमें यह है कि शादी से पहले या निकाह से पहले इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि उनके पास एक सर्टिफिकेट हो जिसमें ये मेंशन हो कि ये इनका टेस्ट हो चुका है, ताकि जो आने वाला जो बच्चा है वो हेल्दी पैदा हो और थैलेसीमिया फ्री हो। हमारा ऑब्जेक्टिव भी ये है कि पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान बनाना, क्योंकि मैंने कल भी बात की थी कि यूके में 20 साल से कोई थैलेसीमिक बच्चा पैदा नहीं हुआ। अगर यूके थैलेसीमिया फ्री कंट्री बन सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं बन सकता? पाकिस्तानी अवाम ज़्यादा बाशऊर है एज़ कम्पेयर टू किसी भी कंट्री से, तो इनको सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लेने की ज़रूरत है, और जो कि फ्री में है, कोई एक्सपेंसिव टेस्ट भी नहीं है। तो आप आगे बढ़ें और सुंदस फाउंडेशन की जितना भी कंट्रीब्यूशन हो सकती है फंड्स के हवाले से, ब्लड के हवाले से, और ये अगर आप टेस्ट करवाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो हमारे पास आए, इंशाल्लाह हम आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा वकास भाई, ये इसका ब्लड डोनेट करने का क्या तरीका है? मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? मैं एक्चुअली पेशेंट हूँ डायबिटिक का जी, जी। तो मैं ब्लड अगर डोनेट करना चाहूँ, आज़र भाई हमारे जो हैं ये भी करना चाहते हैं, तो क्या तरीका सर? इसमें ये है कि अगर आप इंसुलिन नहीं लगाते तो फिर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मैं इंसुलिन नहीं लगाता। आप आएँ, आपका सैंपल लेते हैं, आपकी हिस्ट्री पहले क्लियर करेंगे कि लास्ट आपने ब्लड